लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से एक और चर्चा हो रही है कि अभी हाल के दिनों में फ्रांस में काफी दंगे हो रहे थे, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, तो ये किस तरह से देखेंगे, दो चीजें क्लैश हो रही हैं? देखिए, वो उनका एक ऐसा मामला था, आंतरिक मामला कह लीजिए, कि उसे कंट्रोल, भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसका, हाँ, कंट्रोल करने में भले ही देरी जो हुई उस कारण से ये खबर बनी। और ये जो एक समस्या है वो पश्चिम के बहुत से देश फेस कर रहे हैं आज की तारीख में, फ्रांस अकेला नहीं है, फ्रांस उसमें सबसे ज़्यादा इस समस्या को फेस करने वाले देशों में है, जहाँ के अवैध तरीके से भी कई बाहर से आए हुए लोग वहाँ पहुँच करके और इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से भारत ने बहुत ही परिपक्वता दिखाई। और कल ही मैं ये देख रहा था कि यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर के बारे में डिबेट कर रहा है, ये बात भी बड़ी अजीब है कि यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर के बारे में डिबेट करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट को अपने यूरोप में हो रहे घटनाओं के बारे में डिबेट करने से इतनी फुर्सत कहाँ मिल जाती है, वो मणिपुर के बारे में डिबेट करता है। तो इस तरह की घटनाएँ केवल फ्रांस नहीं बल्कि पूरे यूरोप को चिंता करने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में उनके देश में क्या हो रहा है। हमने बड़ी परिपक्वता के साथ उनके आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और सर बेहतर बता पाएंगे कि हम लोगों की कभी ऐसी उत्कंठा भी नहीं रही है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में या इस तरह की घटनाओं में हम कभी प्रतिक्रिया देते, और इसका एक माकूल प्रभाव फ्रांस के ऊपर पड़ा होगा, ये बिल्कुल है।